जो भी हमें अप्रोच करेगा, हम अपनी पार्टी की तरफ से, आरपीआई की तरफ से उसका सुरक्षा का बीमा कराएंगे। जो भी हमें अप्रोच करेगा हम उस ये काम उन्हें सुरक्षा देने का काम करेंगे। आपने अपने घर पे गणपति बप्पा का विराजमान किया है, कितने दिन की गणपति और आपके जीवन में कितना महत्व रखते हैं गणपति जी? देखिए जी, गणपति जी विघ्नहर्ता हैं। पिछले 27 साल से गणपति जी हमारे यहाँ विराजमान हो रहे हैं। रख डेढ़ दिन पाता हूँ, चूँकि मैं सेवा से जोड़ता हूँ उन्हें, पूरी सेवा करूँगा उनकी दिन रात। और विघ्नहर्ता हैं जिन्होंने, जिनके माध्यम से लोकमान्य तिलक ने अंग्रेज़ों को भगा दिया, ये हमारे दुख दूर करेंगे। गणपति जी का स्थान बहुत बड़ा है, प्रथम पूजा गणपति जी की होती है। कितनी तैयारियाँ करनी पड़ती है और फिर जब विदाई का टाइम आता है तो किस तरह का माहौल रहता है? देखिए, मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ, मोहमाया से जुड़ा हुआ नहीं हूँ लगता तो है, पर मैं अपनी एक घटना बताता हूँ। मेरा 27 साल पहले, 27.5 साल पहले बच्चा छत से गिरा था और रोजा इफ्तार की पार्टी दी थी लाखों आदमियों को, और माननीय गृह मंत्री भारत सरकार शंकर राव चौहान जी उस समय मेरे उस प्रोग्राम में आए थे। जैसे ही बच्चा गिरा और मैं उसे बचा नहीं पाया तो मेरी आंख में आंसू नहीं था, इतनी विल पावर स्ट्रांग है। मैंने कहा था, भगवान जो तू करता अच्छा करता है, ये 40 साल का हो जाता कितनी तकलीफ। तो हम लोग, तो हमारी पार्टी का तो नारा है, हमें समस्या बताओ हम उसको निदान करेंगे। साहब सामाजिक न्याय मंत्री हैं, यदि हमें यहाँ से अवसर मिलता है वर्सोवा से, तो ये गारंटी देंगे कि मुंबई में सबसे ज़्यादा मार्जिन से सीट हम ये दिखा, अपनी सेवा के बल पे जीत के दिखाएंगे।